तो क्या हाल है, आज क्या पढ़ना था अपन को? क्या सर वही से सर्किट्स पढ़ रहे थे हम लोग। सर सर हाँ सर वही सर्किट्स। टेस्ट का डिस्कशन था? कर यार आपकी आवाज साफ है, टाइप कर दो प्लीज। सर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे सर। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे? अच्छा, हाँ तो सर। डाउट भेजोगे तब तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। डाउट तो भेजते नहीं आप लोग। यस सर सेंड कर रहे हैं। जल्दी भेजिए। हेलो। यस सर। अच्छा एक बच्चे ने डाउट किया। इतनी गंदी इंग्लिश हो तो पढ़ने में नहीं आ रहा मेरे को। क्या दे रखा है आपने? 16D पूछा है। बोल रहा है कि राइट डाउन, नहीं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर दैट जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 1 किलोमीटर, डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी दे रखा है 1.7 × 10⁻¹⁸ है। ये तो समझ नहीं आ रहा। हाँ -8 ओम। सर वही है। ठीक है, ये आपका लेंथ डायमीटर और उधर है। क्या करना है इसमें? लंबी सड़ा वाला रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाय 4। दैट इज इक्वल टू 4 × 1.7 × 10⁻¹⁸ × 10⁻¹⁰ मीटर अपॉन पाई इंटू डायमीटर कितना? 0.5 मिलीमीटर, मतलब कि 5 × 10⁻¹⁴ मीटर। दैट इज इक्वल टू 4 × 1.7 × 1.7। सर सबको मीटर में कन्वर्ट करना है। ऐसा ही ठीक है? कैसे कर लोगे? सर अगर सबको मिलीमीटर में करेंगे तो आंसर आएगा। नहीं तो रो को भी देखना पड़ेगा ना। रो का ओम मीटर है ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसलिए हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं बेटा, कभी भी किसी और यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते। इसीलिए क्यों जबरदस्ती उल्टी मेहनत करूँ? ठीक है,
यस सर। हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। ठीक है बेटा, और किसी का कोई डाउट फटाफट बोलो, फटाफट भेजो। किसी का नहीं? आप लोगों को नहीं सर, बोला था ना कि डाउट भेजेंगे तो डाउट डिस्कस करूंगा, मैं बोला था कि नहीं बोला था आज क्लास में? कोई डाउट नहीं है? चलो फिर आप लोगों का कल भेजे हैं वो सर्किट को सिंपलीफाई करना है। सर्किट को सर, सर्किट को मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। टाइप कर लो वीरेंद्र सॉन्ग, आपकी आवाज़ साफ आ नहीं रही है, प्लीज टाइप करके पूछ लीजिए। तो मेरा एक डाउट है सर, व्हाट्सएप में भेजिए, व्हाट्सएप में देख लिया मैंने। इन्होंने कहा है ए और बी के बीच में इसका रजिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए ये जो है ना, ये एक वीट स्टोन ब्रिज है। क्या है ये? वीट स्टोन ब्रिज है। इनफैक्ट ऐसा कोई भी सर्किट वीटस्टोन ब्रिज होता है जिसमें इधर रेजिस्टेंस आर वन है, इधर रेजिस्टेंस आर टू है, इधर रेजिस्टेंस आर थ्री है, इधर रेजिस्टेंस आर फोर है। ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? वीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसमें एक स्पेशल केस होता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? अच्छा, ये रेजिस्टेंस आर फाइव है, इसमें क्या होता है? नो करंट थ्रू आर फाइव। इस आर फाइव में से अगर कोई करंट पास नहीं होता है तो हम कहते हैं हमारा ये जो सर्किट है, ये वीटस्टोन ब्रिज तो है, ये उसमें भी स्पेशल है बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज। ये कब होता है? इट हैपन्स व्हेन आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर होगा। मतलब कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज होता है, ऐसे में इस आर फाइव में से कोई करंट पास नहीं होता। इस क्वेश्चन में देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर बाय आर वन हो गया। यहाँ से फिर से आर और आर इनका रेशियो फिर से वन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वन इज इक्वल टू वन हो गया, मतलब कि बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज है, इस आर फाइव में से कोई करंट पास नहीं होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस आर में से कोई करंट पास नहीं होगा। तो इस रेजिस्टेंस को रखने का फायदा क्या है? इसको हटा दो, इसको यहाँ से भी खोल दो, यहाँ से भी खोल दो, ये है ही नहीं सर्किट, इसको हटा दो, फेंक दो, क्योंकि इसमें से करंट तो जाने का किस काम का वायर, किसी काम का वायर है।
तब क्या हुआ, अगर ये वायर नहीं लगा हुआ है तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए और आपस में पैरेलल में हो गए, दोनों सीरीज में 2R हो गया, ये दोनों सीरीज में 2R हो गया, 2R और 2R पैरेलल में क्या किया, आर इक्विवेलेंट आर आ गया। सॉल्व कर लोगे तो आराम से, ठीक है? यस सर। हाँ सर, हो जाएगा सर। मैं भी डाउट भेज रहा हूँ। डाउट भेजा मुझे तो नहीं मिला। अच्छा इनका क्वेश्चन ये रहा, इन्होंने क्या कहा है, इन द गिवन सर्किट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज, ए ए और सी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो भैया, हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में चाहिए, तो ये दोनों सीरीज में है, कितना हो गया 2R, ये दोनों सीरीज में है कितना हो गया 2R। अब ये वाला 2R, ये वाला 2R और ये वाला 2R आपस में पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा 2R/3। ओके थैंक यू सर। ठीक है, ओके। और कोई डाउट? सर हमें एक भेजे सर व्हाट्सएप में डाउट। सर हम भी एक व्हाट्सएप भेजा सर, व्हाट्सएप में डाउट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेशियो पूछा है सर, ठीक है सर। आंसर 4। तो 4 ओम है, क्यों? इस की सोम का कोई यूज नहीं है। सुनिए, हाँ, यहाँ से करंट अगर आई जाएगा, ये करंट आई गया, इधर रेजिस्टेंस, इधर नो रेजिस्टेंस, किधर जाएगा करंट? ऑब्वियसली सारा का सारा रेजिस्टेंस आई इधर से जाएगा फाइनल। हाँ सर, सो वायर से जाएगा ना करंट? हाँ, ये वायर तो है। हाँ सर, वही बोल रहे सर, वायर से चल जाएगा, रेजिस्टेंस में काहे जाएगा नहीं, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं, इसको हटा दो, क्या बचा? वही तो सर। दूसरा, इसको हमने एक तरीके से शॉर्ट रख दिया, क्या करेंगे, अगर आप किसी भी रेजिस्टेंस के, ध्यान दीजिएगा, किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में जीरो रेजिस्टेंस लगा दोगे तो बेसिकली रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है और करंट जो है वो ऐसे करके चला जाता है। दूसरा तरीका इसको देखने का, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है जीरो, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो इस सिर्फ इतने पोर्शन का अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/0, है ना? अब 1/0 सर ये नॉन डिफाइंड रहेगा, this implies R is equal to 1/∞, that is equal to 0, ऐसे ही कर सकते कि नहीं कर सकते? Yes sir. Yes sir. किसी ने पूरी किताब भेज दी? नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन वो सर। क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ, ऐसे बोल रहा है कि
द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेस्ड टू एन टाइम्स ओरिजिनल लेंथ दिखा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए आर ओम का वायर है, हमें इसको स्ट्रेच क्या, देखिए वायर था, इसको हमने खींच के एंड टाइम लंबा कर दिया। अगर खींच के एंड टाइम लंबा करोगे तो ऑब्वियसली पतला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। इसका लेंथ एल नॉट है, इसका लेंथ हो गया एन एल नॉट, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ए नॉट है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेता हूँ ए। तो क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, वी नॉट इज इक्वल टू वी, मैं लिख रहा हूँ एल नॉट ए नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एन एल नॉट, दिस इंप्लाइज एरिया ए इज इक्वल टू ए नॉट बाय एन। कोई दिक्कत? नो सर। तो एरिया आ गया ए नॉट बाय एन। अब बोलेंगे तो नया रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, रो एल बाय एरिया दैट इज इक्वल टू रो इंटू एन एल नॉट अपॉन ए नॉट बाय एन दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स रो एल नॉट बाय ए नॉट दैट इज एन स्क्वायर आर नॉट, आर नॉट आ रही है तो एन स्क्वायर आर, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। क्या बोल रहा है, अ कॉइल इन द हीटर कंज्यूम्स पावर पी ऑन पासिंग करंट, इफ इट इज कट इनटू टू हाफ्स एंड जॉइंड इन पैरेलल इट विल कंज्यूम पावर। ओके, हीटर आप कहां कनेक्ट करते हो, घर में कनेक्ट करते हो, है ना। तो आप अगर हीटर को घर में कनेक्ट करोगे तो हमेशा ही उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चाहे आप अकेले लगाओ चाहे काट के दो पैरेलल में लगाओ। आपका सॉकेट है, सॉकेट का एक एंड है ए, दूसरा एंड है बी, आपने पहले इसमें एक रेजिस्टेंस लगा लिया, ऐसे ही होगा। ठीक है, आपको दे रखा है कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 220 वोल्ट है ना, इसको मैं वी बोल दूंगा, ठीक। अब आपने क्या किया, एक वायर लिया लेट से रेजिस्टेंस आर का, बोला इसमें पावर जा रहा है P, तो P इज इक्वल कितना हो गया V स्क्वायर बाय R। फिर आपने क्या किया, सॉकेट तो वही है A और B, लेकिन आपने इस वायर के दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े के दोनों का इंडिविजुअल रेशियो कितना हो जाएगा R बाय टू, R बाय टू, और आपने दोनों को A और B के बीच में कनेक्ट कर दिया। पहले ही पोटेंशियल डिफरेंस V था, अभी पोटेंशियल डिफरेंस V है, बट इस बार R इक्विवेलेंट कितना है, क्या मैं R by 4 directly लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes sir। लिख सकता हूँ। तो R equal to R by 4, therefore आपका जो नया power P dash आया, that is equal to V square upon R by 4, that is equal to 4 times V square by R, that is equal to 4 P answer। ठीक है? पर R equivalent R by 4 कैसे है? क्योंकि R by 2 पैरेलल में थे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 by R equivalent is equal to 1 upon R by 2 plus 1 upon R by 2 that is equal to 4 upon R, this implies R equivalent is equal to R by 4। Okay sir, thank you sir। ठीक है,
इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, देखो देखो आप लोगों को देखिए सर हम डिफरेंट बुक पे एक सेकंड। फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट इज कौन सा करंट पीछे का जो आई ए करके ये तो कुछ दे ही नहीं रखा है आपको क्वेश्चन में। देखो भाई एक काम कर सकता हूँ, मान लो यहाँ से करंट आया 2 एम्पीयर, यहाँ से करंट आया 2 एम्पीयर, तो इधर कितना जाएगा 4, इधर गया 1, इधर जाएगा 3, इधर नहीं इधर जाएगा 3। अब यहाँ जो भी जाएगा उस उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ का आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है। ठीक है समझ में आई बात, क्या पूछा ये भी नहीं बताया गया और हर जगह होता है, होता है भी नहीं गया है ना, वापस देख लो। हाँ सर ऐसा ही होगा, समझ में आ गया ना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक से डेटा क्लियर नहीं किया था। क्या बोल रहे हैं, इधर से करंट आया 2, इधर से करंट आया 2, इधर कितना जाएगा 4 जाएगा, इसमें से इधर चला गया 1 है ना, तो इधर कितना आएगा 3 आएगा। अब इसका फिर से 2 ब्रांचेस, अब हमें पता नहीं पूछा क्या गया। ठीक है यस सर, तो हो सकता है यहाँ का करंट दे रखा होगा तो यहाँ का निकालने बुलाओगे, पता नहीं क्या पूछा गया। ठीक है तो जितना निकाल सकते थे उतना हमने बताया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर गिवन बिलो, ए और बी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस पूछा गया। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ऐसे नजर नहीं आ रहा होगा काफी लोगों को, और ठीक है मुझे इस ए और इस बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। मैं बोलूंगा इधर 20 ओम, ये 10 ओम और ये 20 ओम, क्या ये तीनों आपस में सीरीज में है या नहीं है? यस सर। तो ये कितना हो गया, 20 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया 50 ओम हो गया। अभी 50 ओम और ये 30 ओम आपस में पैरेलल में है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ का अगर आर वन बोल देता हूँ तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/50, नीचे आ गया 150, ऊपर आ गया 5 प्लस 3, दिस इम्प्लाइज R1 इज इक्वल टू 150/8, इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ तक का रेजिस्टेंस आ गया 150/8 है ना। अभी 10 ये 150/8 और 10 आपस में सीरीज में है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 प्लस R1 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 310/8 ओम, दिस इज योर आंसर। ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ सर इजी है। उसका अगला ही पूछा था किसी ने,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मास ऑफ अ पीस ऑफ कॉपर इज 50 ग्राम. अ 50 मीटर लॉन्ग वायर इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पीस. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना दे रखा है एंड डेंसिटी इतना दे रखा है. देखो भैया मास दे रखा है आपको 50 ग्राम, डेंसिटी डी दे रखी है आपको 9 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब. इसका मतलब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो मास बाय डेंसिटी से, है ना. फिर आपको दे रखा है कि लेंथ जो है वो है 50 मीटर. देखो आप एरिया निकाल सकते हो कितना, वॉल्यूम अपॉन लेंथ से, दैट इज इक्वल टू एम अपॉन डी एल. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेजिस्टेंस आर. तो रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन एरिया, दैट इज इक्वल टू रो एल अपॉन एम बाय डेंसिटी इनटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू रो डेंसिटी एल स्क्वायर, रो डेंसिटी एल स्क्वायर बाय एम. ठीक है, दैट इज इक्वल टू रो कितना है 1.8 × 10⁻¹, 1.8 × 10⁻¹ इंटू डेंसिटी कितनी 9 × 10⁻³, 9 × 10⁻³. सर 1 ग्राम में और 1 केजी में है सर. केजी पर मीटर क्यूब बेटा, तो डेंस, तो मास मास मत डालो ना, अभी तो अभी क्या दिमाग लगाओ. लेंथ का स्क्वायर, लेंथ कितना 50 मीटर, तो 50 का स्क्वायर अपॉन मास कितना है 50 ग्राम, तो 50 × 10⁻³. सो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, एक 50 मार दिया, हो गया 1.8 × 50 हो जाएगा 9 × 10, 81 हो गया. सही है सर. ठीक है, हाँ सर. आगे देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. थ्री रिंग्स पी क्यू एंड आर ड्रॉप्ड एट सेम टाइम ओवर आइडेंटिकल हॉलो मैग्नेट्स एज शोन बिलो. जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और अंदर से हॉलो है. पहला पी प्लास्टिक है, दूसरा कॉपर है, आर भी कॉपर है, लेकिन आर में देखिए हल्का सा पैट है, दिख रहा है सबको, आर कंप्लीट रिंग नहीं. ठीक है, इमेज तो ब्लर आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है ना, तो चाहिए बट यू समझ लो नजर आ रहा है. ये प्लास्टिक है, ये वाला प्लास्टिक है, ये क्यू और आर दोनों आपका कॉपर है, पर क्यू क्या है, कंप्लीट रिंग है कॉपर की, और आर में क्या है, ऐसे कट लगा हुआ SBI का लोगो है. ठीक है, समझ में आया? हाँ सर. बोला है इन दिनों को अगर ड्रॉप करता हूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ऑर्डर इन विच द रिंग्स पी क्यू एंड आर रीच द बॉटम ऑफ द मैग्नेट. तो देखो भैया, सबसे पहले पहुंचेगा पी, देन
टाइम जो लगेगा पी को सबसे कम लगेगा, उसके बाद आर को लगेगा और सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा क्यू। ठीक है, लेकिन अब मुझे नहीं पता आपके, मेरे को लग रहा है आप लोगों को ये आर और क्यू को कंपेयर करना नहीं आता है, आर और सॉरी आर और पी को कंपेयर करना नहीं आता है, इसलिए आपके लिए पी और आर साथ में और क्यू को, क्यू सबसे लेट है, ये आंसर भी हो सकता है आपके लेवल पर। प्रैक्टिकली आर को पी से ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आप लोगों के लेवल पे हो सकता है आर और पी को बराबर टाइम लगे। ठीक है ना, आप लोगों को जितने वाले उस हिसाब से आपकी आर को पी से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं बना सकते। ऑप्शन चेक कर देना, डेराइव इन द ऑर्डर पी क्यू आर गलत है, डेराइव इन द ऑर्डर पी आर क्यू सही, मतलब सही वाला आंसर सही। ठीक है, मतलब आपके लेवल का अगर ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा NTC का क्वेश्चन, ठीक है तो सही होगा। क्या होगा देखिए, प्लास्टिक को तो मैग्नेट से फर्क नहीं पड़ता नहीं, और जीव एक्सर्शन से चला जाएगा। कॉपर में क्या होगा, जब कॉपर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कॉपर में करंट इंड्यूस होगा सच दैट वो करंट कॉपर के मोशन को अपोज करे, आया ना EMI की वजह से। यस सर, है ना। तो क्यू को टाइम और डेफिनेटली पी से आ रहा है, बच गया आर, होता क्या है बेटा आर पी में, क्यू में क्या है पूरा रिंग है और आर में SBI का लोगो है ना। तो क्या होगा, इसमें तो करंट पूरा घूम सकता है ना क्यू में, तो क्यू को तो ज्यादा, क्यू के मोशन को तो करंट ज्यादा अपोज करे, आर में क्या है करंट पूरा घूम नहीं सकता, घूम सकता है क्या पूरा नहीं घूम सकता, इसलिए आर में सिर्फ एक ही तरीके का करंट बचता है जिसको हम कहते हैं एडी करंट। क्या कहते हैं एडी करंट, आपको पता नहीं इस बारे में ज्यादा कुछ, बट नाम है इसका एडी करंट। होता क्या है छोटे छोटे लूप्स में छोटे छोटे करंट बन जाते हैं जिसकी वजह से मोशन मोशन को थोड़ा अपोज भी मोशन थोड़ा अपोज होगा और आर में टाइम पी से ज्यादा रहेगा पर क्यू से कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्यू में ज्यादा पोजिशन हो रहा है पूरा करंट बन पा रहा है, आर में पूरा करंट नहीं बन पा रहा है, इसलिए आर थोड़ा सा जल्दी पहुंच पाएगा, पूरा पोजिशन नहीं हो पा रहा है। समझ में आई बात? यस सर। भाई देखो, यस सर, ये अपन ने देखा था ना पहले, कि लेंस लॉ में क्या देखा था हमने, ये देखा था ना कि लेंस लॉ क्या करता है, कहता है जिस भी कारण से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस कारण को अपोज करता है। ठीक है, इस केस में क्या, किसकी वजह से ईएमआई आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसकी वजह से आएगा, वो आएगा ड्यू टू किसकी वजह आएगा, आएगा ड्यू टू मोशन ऑफ रिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो उस मोशन को अपोज करें। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगले एग्जांपल में कि अ कॉइल इन द हीटर कंज्यूम्स पावर पी ऑन पासिंग करंट इफ इट इज कट इनटू टू हाफ। सर ये हो गया है, हां सर ये वाला हो गया है।
क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट्स, इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों पैरेलल टू और टू कितना हो गया, वन हो गया, ये दोनों पैरेलल टू और टू कितना हो गया, वन हो गया, ये दोनों पैरेलल टू और टू कितना हो गया, वन हो गया, ये दोनों पैरेलल टू और टू कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वन और वन सीरीज में टू हो गए, ये वन और वन सीरीज में टू हो गए, ये टू और टू पैरेलल में वन हो गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वन। ओके बेटा सर, सर ऐसा डायग्राम देगा सर क्या, ऐसा डायग्राम ढूंढ के निकाल के देगा सर? दे सकता है, लेकिन आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। Study the circuit shown in which three identical bulbs B1, B2, B3 are connected in parallel with battery of 4.5 volt. B1, B2, B3 तीनों parallel में हैं, 4.5 volt की battery. Okay. What will happen to the glow of other two bulbs if the bulb B3 gets fused? तो अगर B3 fused हो जाएगा तो B1 और B2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के पास potential difference 4.5 ही रहेगा। इसलिए तो घर में हम लोग bulbs parallel में लगाते हैं, आया ना? Yes, sir. If the voltage of each bulb is 1.5 watt, okay, how much reading will the ammeter A show when all three bulbs glow simultaneously? देखो भैया, इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5 है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 4.5। तो पावर कितना डिलीवर कर रहा बैटरी? 4.5 है ना। तो अगर यहाँ से करंट आई आ रहा है, तो दैट आई इंटू वी इज इक्वल टू 4.5, दिस इंप्लाइज आई इंटू 4.5 इज इक्वल टू 4.5 इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। सो एम्पीयर ए रीड्स 1 एम्पीयर, सो एमीटर ए रीड्स 1 एम्पीयर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑब्वियसली 4.5 वोल्ट अपॉन 1 एम्पीयर, दैट इज इक्वल टू 4.5 ओम, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर ठीक है। Two metallic wires of the same material and same length, मतलब wires के material भी same है, length भी same है, have different diameters, okay? If we connect them in series across a battery, the heat produced is H1. If we connect them in parallel to the same battery, the heat produced the same time is H2. From the above, we infer that. इतना कहानी सुना के तो लगता है क्वेश्चन। देखो भैया, battery the same है, R equivalent, sorry, हीट कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना? सो H1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R सीरीज, H2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R पैरेलल। अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा होगा, R पैरेलल या R सीरीज? ऑब्वियसली R पैरेलल छोटा होता है सर, सीरीज। हां, देयरफॉर H2 इज ग्रेटर देन H1। हाँ सर ठीक है। डाउट तो आप लोगों ने लिखे नहीं, तो एक और बार थोड़ा रिपीट करिए ना सर। देखो हीट सर इनटू टाइम भी होगा सर, मैं गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा गलती होगी।
इनटू टाइम में, ठीक है। तो जब सीरीज में लगाया तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, वी स्क्वायर बाय आर सीरीज इनटू टाइम। जब पैरेलल लगाया तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल इनटू टाइम। तो वी स्क्वायर टी तो तीनों में सेम है, दोनों में सेम है ना, क्योंकि बैटरी सेम है, टाइम सेम है। बच्चा के जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट कम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में। तो सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए सीरीज में हीट कम है, एच वन कम है, एच टू बड़ा है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। और कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है, किसी को भेज दो जल्दी से भेज दो, नहीं तो क्लास खत्म कर। और सर मैग्नेटिक इफेक्ट का सर एक बड़ी डाउट है। क्या बोल रहे सर? मतलब सर बोलिए। सर मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक किसी किसी क्वेश्चन नहीं पूछा क्यों? आप लोग अपनी हाफ एंडिंग के, हाँ सर रुके सर टाइप करके दे रहे हैं। हाफ एंडिंग के लिए तैयार हो ना सब लोग? हाँ सर पक्का? हाँ सर ठीक। सर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न से जो सर्कुलर लूप से बनता है सर, वो वाला एक बार समझा दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर, ओके। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू 8 ओम रेजिस्टेंसेस, दो 8 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल लगे, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/8 + 1/8 इज इक्वल टू 1/R, 1/R1 बोलते हैं उसको, 1/R1 इज इक्वल टू 1/8 + 1/8, दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू 4 ओम। पहला पार्ट हो गया, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, देखो ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम सीरीज में है ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 + R1 दैट इज इक्वल टू 8 ओम। इसलिए यहां से करंट कितना जाएगा, बैटरी में से, बैटरी से करंट जाएगा 1 एम्पीयर, ये पूरा करंट 4 ओम में से फ्लो करेगा। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम इज 1 एम्पीयर। पहले वाले का आंसर क्या था, 4 ओम, दूसरे वाले का आंसर क्या था, 1 एम्पीयर। थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो भैया करंट 1 × 4 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, I²R 1² × 4 दैट इज इक्वल टू 4 वाट। डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ अमीटर A1 एंड A2 इफ एनी, नहीं कुछ भी नहीं होगा, सेम ही आएगा, 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत? नो सर। उनमें से तो 1 एम्पीयर करंट जाएगा ना, ठीक, इसमें और डाउट मुझे। छोटा लिखा बेटा कि कोई और पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ के सुनाता हूँ।
व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एनी वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट ओके देन व्हाई इज इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टिंग केबल्स डज नॉट अट्रैक्ट नियर बाय आयरन ऑब्जेक्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू इट क्योंकि इंसुलेटेड है देखो भाई आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना एक आयरन करंट कैरिंग वायर के पास में तो बहुत स्ट्रांग नहीं होता उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर ठीक है दूसरी बात जो मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है वो होता है सर्कुलर अनलाइक अनलाइक द मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है हालांकि फिर भी दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो मैं भी बता रहा हूँ लाइन वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग वायर की वजह से काफी स्मॉल है ठीक है करंट कम पास हो रहा होता है एक वायर में से इस वजह से फोर्स बहुत कम लगता है फोर्स लगता था जरूर है नियर बाय मैग्नेटिक मटेरियल्स पे तो वो फोर्स काफ़ी छोटा होता है और इसलिए हम उसे देखते नहीं हैं अट्रैक्ट अट्रैक्ट ठीक है क्योंकि म्यू नॉट बाय फोर बाय बहुत छोटा होता है 10^-7 होता है ठीक है ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm इज स्ट्रेस्ड सो एज टू चेंज इट्स डायमीटर बाय 0.25% द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज ये बेटा कहाँ से लाया क्वेश्चन आप देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना वैसे तो बहुत आसान है बट आप लोगों के लेवल पे इसमें अप्रॉक्सीमेशन आपको नहीं पता है फिर भी ट्राई करते हैं लेट्स से इनिशियल लेंथ एल नॉट था डायमीटर डी नॉट था तो वॉल्यूम बी इज इक्वल टू एल नॉट डी नॉट होगा अब नया डायमीटर क्या हो गया है एल नॉट से 0.525% बढ़ गया एल नॉट इंटू 1+0.25% 0.25/100 ये नया सहलॉन डी नॉट नया डायमीटर हो गया इतना ठीक है या ऐसे लिखना पसंद नहीं आ रहा कई लोगों को तो ऐसे कर लो डी नॉट इंटू 1+0.25% ठीक है दैट इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1.0025 ठीक है ये डायमीटर डी है तो नया लेंथ एल कैसे निकलेगा तो अच्छा एल नॉट डी नॉट कैसे होगा सॉरी मैं बोल गया एरिया कितना वॉल्यूम कितना होगा एल लेंथ इंटू एरिया दैट इज एल नॉट इंटू पाई डी नॉट स्क्वायर बाय 4 ठीक है और नया लेंथ एल कैसे निकलेगा एल इंटू डी इज इक्वल टू अगेन सेम वॉल्यूम भी सॉरी नॉट एल इंटू डी बट एल इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू अगेन सेम वॉल्यूम भी देयरफॉर एल इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एल नॉट इंटू पाई डी नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई पाई चला गया 4 चला गया इक्वेशन क्या बना एल इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट इंटू डी नॉट स्क्वायर दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू एल नॉट अपॉन 1.0025 का स्क्वायर मैंने डायमीटर डी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल ठीक है तो लेंथ भी हो गया
तो नया रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, इसको मैंने आर नॉट कह दिया वन ओम को, तो नया रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस आर हो जाएगा रो एल बाय एरिया दैट इज पाई डी स्क्वायर बाय फोर दैट इज इक्वल टू फोर रो तो वैसे भी आ रहा था लेंथ की जगह एल नॉट अपॉन 1.0025 का होल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू डी की जगह डी नॉट इंटू 1.0025 का होल स्क्वायर डी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा आर नॉट इंटू आर नॉट अपॉन 1.0025 होल टू पावर 4 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.99 आर नॉट दैट इज 1% डिक्रीज आपका 1% आंसर आएगा। यही कैलकुलेशन आपको बहुत आसान पड़ जाती जब आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन सीख चुके होते, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन नहीं आता इसलिए कैलकुलेशन में परेशानी होती है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बड़ी चो लगा हुआ आप लोगों को और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपको ऐसी अप्रॉक्सीमेशन नहीं पता। ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू कॉइल C1 एंड C2 आर अरेंज कोएक्सियली एज शोन इन द फिगर, द एंड्स ऑफ कॉइल C2 आर कनेक्टेड टू एन एमीटर A, द करंट sent through coil C1 is directly proportional to time t. If the magnetic field induction produced by coil C1 is proportional to current in it, then the induced current in the coil C2 is. देखो बेटा क्या बोल रहा है कि C1 में जो करंट है उसको I1 बोलता हूँ, I1 is proportional to time t, इसलिए बोल रहा हूँ I1 इज इक्वल टू सम KT, ठीक है, समझ में। तो आपका जो I फ्लक्स जो टू हो जाएगा, अच्छा एक बार बार आपका जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I1, दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन इज इक्वल टू सम के डैश इंटू टाइम टी, क्योंकि I1 इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, है ना, कोई दिक्कत। दिस इंप्लाइज कॉइल टू में जो फ्लक्स होगा 5 वोल्ट दैट विल बी इक्वल टू A2 इंटू B1 दैट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, सो 5 2 इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ लेट्स से अल्फा टी, ठीक है। तो आपका जो EMF इंड्यूस इन कॉइल 2 होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई 2 बाय डेल्टा टी विच इज अ कांस्टेंट, क्योंकि आपका फाई 2 टाइम के रिलेटेड पोर्शन है, ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा। कैसे, ऐसे लिख सकते हो E2 इज इक्वल टू अल्फा T2 माइनस अल्फा T1 अपॉन T2 माइनस T1 दैट इज सिंपली अल्फा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम एरिया टाइम T1 से T2 के बीच, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इस तरीके से आप E2 निकाल सकते हो दैट इज अल्फा विच इज अ कांस्टेंट, है ना, समझ में आई बात। यहाँ पर K कांस्टेंट है, K डैश कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ये थोड़ा ये 10th क्लास का क्वेश्चन है क्या, मेरे को डाउट है, जो लिखा हुआ आंध्र प्रदेश स्टूडेंट फॉर्मिंग होती है 10th में इतना ही पूछते भाई। सर सबको समझ में आ गया,
अभी के लिए क्लास भी खत्म करें, नेक्स्ट क्लास शुरू करें। सर एक बार फिर समझा देंगे सर। देखो क्या होगा बेटा, कॉइल C1 में जो करंट आएगा वो करंट टाइम के ब्रैकेट मोशन, इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डायरेक्टली मोशन हो जाएगा करंट की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली मोशन टू सर ध्यान। कॉइल 2 में फ्लक्स कॉइल 1 की वजह से आ रहा है, सो दिस कॉइल 2 का जो फ्लक्स है इज प्रोपोर्शनल टू कॉइल 1 का मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोपोर्शनल टू कॉइल 1 का करंट विच इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। दिस इंप्लाइज फाई 2 इज प्रोपोर्शनल टू टाइम विच इंप्लाइज फाई 2 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे अल्फा टी ले लिया था तो मैं फिर से अल्फा टी लिख लेना हूँ ताकि आपको ये चीज उसके बाद समझ में आ जाए। ठीक है, फाई टू टाइम के प्रोपोर्शनल है तो उसका रेट ऑफ चेंज कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसलिए ईएमएफ कॉन्स्टेंट होता है। सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, आपको ऐसे लिखना चाहिए माइनस डेल्टा फाई टू, माइनस होना चाहिए तो आपके यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है सर, चलो फिर अभी क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास अपन। बाय बेटा, थैंक यू सर।
हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, तो कोई डाउट बताएगा मुझे? सर डाउट भेज दो ना फटाफट, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना? चलो, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम moving at a speed of 25 meter per second is brought to rest by a player in 0.03 second. Find the average force applied by the player. देखो भाई क्या है, एक बॉल है जिसका मास m is equal to 150 ग्राम या फिर 0.15 kg दे रखा है, ये मूव कर रही है वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड से और इसको एक प्लेयर ने रोक दिया, मतलब फाइनली ये रेस्ट पर आ गई। हमें बताना है कि इस प्लेयर को अगर बॉल को रोकने में 0.03 सेकंड का टाइम लगा तो कितना फोर्स हमारे प्लेयर ने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया है, इस बॉल पे लगाया है, एवरेज फोर्स। मेरे ख्याल से आप लोगों का जो आंसर देखा वो गलत है, कैलकुलेटर में देखता हूँ, मुझे देखने में गलत लगा। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, बैकवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। नाउ फॉर बॉल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू फाइनली रेस्ट पे आ गया तो जीरो माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, 0.15 × 25, ठीक है, कितना केजी मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इतना ही फोर्स इस बॉल पे लगा है और किसने लगाया, प्लेयर ने लगाया, सो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यही आंसर होगा, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो अच्छा चेंज मोमेंटम निकाल ही चुके, कितना माइनस 0.15 × 25 अपॉन टाइम कितना लगा है, 0.03 सेकेंड, 0.03 दैट इज इक्वल टू माइनस वाला हो गया ये फाइव हो गया, फाइव 125 न्यूटन, ये 0.125 दे रखा है, 125 आएगा, ठीक है। ओके, किसी एक साथ तीन क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं। देखो भाई क्या दरकार क्वेश्चन में, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, इफ एयर प्रेशर फॉल्स टू 10 मिलीमीटर ऑफ एच जी पर 120 मीटर ऑफ असेंट, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए हिल वेयर बैरोमीटर रीड्स 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। क्या क्वेश्चन है इसमें, देखो भाई सी लेवल पर आपका प्रेशर है 76 सेंटीमीटर और यहाँ जाके हो जाता है 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है, और आपको जब आप ऊपर जा रहे हो हर एक 120 मीटर पे 10 मिलीमीटर एच जी रिड्यूस है, ठीक है, मतलब कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर अपॉन 120 मीटर, है ना। दिस इंप्लाइज डेल्टा पी कितना हुआ, 76 से 70 हो गया, मतलब 70 − 76 अपॉन डेल्टा एच, यही हाइट एच होगी, इज इक्वल टू −1 / 120 मीटर। दिस इंप्लाइज आपका जो हाइट एच आया दैट इज इक्वल टू 720 मीटर, ठीक है सर। ये -1 कहाँ है सर, है ना,
अगर 10 मिलीमीटर से डिक्रीज हुआ, 10 मिलीमीटर इज सेम एज 1 सेंटीमीटर राइट, है ना? प्रेशर सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ मिलीमीटर में दे रखा है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। यस सर। और क्योंकि फॉल हुआ है, रिड्यूस हुआ है, इसलिए माइनस वन प्लस वन की जगह, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट सी लेवल द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इतना पास्कल, अज्यूमिंग जी इज इक्वल टू इतना एंड डेंसिटी ऑफ एयर यूनिफॉर्म इक्वल टू इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द एटमोस्फेयर। कितना हो जाएगा वही प्रेशर, पी इज इक्वल टू रो जी एच, दिस इंप्लाइज हाइट एच इज इक्वल टू पी अपॉन रो जी, दैट इज इक्वल टू पी कितना 1.04 इंटू 10 टू पावर 5 एसआई यूनिट अपॉन डेंसिटी की दे रखी है 1.3 केजी पर मीटर क्यूब इंटू जी दे रखा है 10, दैट इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 1.3 के आसपास आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 8,000 आएगा, 8,000 मीटर, ठीक है? कोई दिक्कत? अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1.3 का बैठा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, assuming the density of air to be इतना kg per meter cube, find the fall in barometric height in millimeter of Hg at a height of 107 meter above the sea level, take density of mercury to be इतना, इतना होगा भैया प्रेशर में फॉल कितना होता है, रो जी एच, तो आपको ये रो जी एच निकालना है, दैट इज इक्वल टू रो दे रखा है 1.295 इंटू जी दे रखा है, नहीं देखा 9.8 ले लो, इंटू हाइट एच दे रखा है 107, ठीक है? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ध्यान, मैंने जगह कम है, इतनी कम जगह में होगा इंसान, मैं ऐसे सोचा। देखो ये जो लास्ट पोर्शन है, सिर्फ फिफ्थ क्वेश्चन करना है, क्या होता है बेटा बैरोमीटर कैसे काम करता है, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था कभी, आप जानते हो कि नहीं जानते, नहीं जानते, मान लिया मैंने नहीं जानते, ठीक है? देखो क्या होता है कि ये आपका मरकरी बाथ है जिसमें मरकरी रखा हुआ है, इसके अंदर एक उल्टा टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ भी रखा हुआ, ठीक है? इसके अंदर मरकरी यहाँ तक पहुँच जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका वैक्यूम है, मतलब प्रेशर जीरो इस पॉइंट पर। यहाँ का प्रेशर कितना है? यहाँ का प्रेशर है पी एटीएम, यहाँ का पी एटीएम, तो यहाँ का भी होगा कितना? प्रेशर पी एटीएम ही होगा, और ये हाइट है आपकी एच, या एच वन कह देते हैं, एच तो एच नहीं गया, ठीक है? डेंसिटी यहाँ पे मरकरी की रो एच जी बोले तो, या रोवन बोले तो, रो एच जी बोले, रोवन बोले तो, यहाँ का प्रेशर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैं क्या लगाऊंगा, इसको मैंने बोल दिया प्रेशर पी जीरो, जीरो प्लस रोवन एच वन जी इज इक्वल टू पी ए टी एम, ठीक है? बेसिकली आपका जो H1 आएगा दैट इज इक्वल टू P एटमोस्फेरिक अपॉन रो वन जी आएगा, ठीक है? H1 हो गया P एटमोस्फेरिक अपॉन रो वन जी। इस तरीके से आपका जो भी आंसर आएगा, जो भी हाइट H1 आएगा वो यहाँ पे एडी में दिखेगा, उसी को हम कहते हैं इतना हाइट ऑफ एच जी इज योर एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बेटा? सर सर एक डाउट सर, सर सर ये वैक्यूम है तो फिर सर मर्क्यूरी पूरा ऊपर क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि इक्वेशन आपके सामने है, यहाँ का प्रेशर अगर मर्क्यूरी इससे और ऊपर चला जाएगा तो यहाँ का प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड एच वन पे जाने पर इस पॉइंट पे प्रेशर जीरो हो चुका है ना, इससे और ऊपर अगर मर्क्यूरी चला गया
अगर इससे और वो वर्क चला जाएगा तो यहाँ से तो नेगेटिव यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, तो जीरो प्लस यहाँ का प्रेशर पी वन है, तो पी वन प्लस रो एच वन जी इज इक्वल टू पी ए टी करना पड़ेगा। और क्योंकि हाइट एच जो है वो अभी जो है ना इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा, इसलिए एच सारे चीज़ कभी इक्वल हो गई इसलिए ऊपर थोड़ा खाली रहता है। अब यूँ समझ लो आपने, अच्छा मैं समझ गया आपका डाउट कहाँ से, आपका डाउट अराइज हो रहा है आपके जनरल लाइफ के एक्सपीरियंस है कि जब प्रेशर क्रिएट कर जब वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो आसपास से चीज़ें वहाँ रश होती हैं, राइट है ना? हाँ सर एब्सोल्युटली सर। आपने पिचकारी से पानी, पिचकारी में पानी भरा इसी मतलब आपने पानी के टब के अंदर आपके पिचकारी ली, और आपने इसे पुल, आपने इसको पुल किया पानी यहाँ से भर के इसके अंदर चला जाता, यही होता है ना? ऐसी होता है सर। तो बेसिकली आपको लगा कि आपने पानी को पुल किया है ना, है ना? आपने वैक्यूम बना के पानी को पुल किया ना, यही बोलते हो ना आप? यस सर। एटमॉस्फेयर की वजह से उठता है, यही होता है। आपको फील तो ये होता है ना कि आपने वैक्यूम बना के पानी को पुल किया, जब आप स्ट्रॉ से जूस पीते हो तो क्या लगता है? आपने सक किया आप जूस को, राइट, पुल किया ऐसा लगता है ना? तो कैसा होता नहीं, जब आपने यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया तो आप बेसिकली पानी पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, बट क्या हो रहा है यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है और साइड में प्रेशर जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हर तरफ, तो इधर से पानी को पुश किया गया है पिचकारी के अंदर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो पुश कर रहा है, ठीक है? जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुश करेगा उतना ज्यादा पानी अंदर भरेगा, ठीक है? ये ओके है कि नहीं ओके? हाँ सर। यहाँ पे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से मरकरी को इसके अंदर पुश कर रहा है, लेकिन इधर से जितना फोर्स लगाएगा उसकी लिमिट होगी ना, उसकी वजह से ये हाइट डिसाइड करेगी, इसके ज्यादा इसी हाइट तक उठाने लायक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इससे ज़्यादा हाइट तक उठाने लायक फोर्स यहाँ पे लगी है, मतलब ये जो वेट है ना इसका वेट ये एटमोस्फेरिक प्रेशर उठा पा रहा है यहाँ से, इस ज़्यादा नहीं उठा पा रहा है, ठीक है? ऐसा समझ सकते, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे वैक्यूम क्यों हो रहा है। वैक्यूम होने का मतलब ये नहीं कि देखो वैक्यूम नहीं भरता है, हमें हमारे जनरल लाइफ के एक्सपीरियंस में लगता है जब वैक्यूम क्रिएट करते हो तो आसपास की चीज़ें वहाँ पे को फिल करने के लिए रश करते हैं। ऐसा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरा तो बस माइक ही नहीं था अभी तक। हाँ सर आवाज तो आ रहा था सर। अच्छा अच्छा से। अच्छा ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो साइड से ध्यान दीजिए, आप जब वैक्यूम क्रिएट करते हो तो आप सक नहीं करते किसी चीज में, साइड से एटमोस्फेयर पुश करता है, ठीक है? समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। जहाँ तक एटमोसफेयर पुश कर पाएगा वहीं तक लिक्विड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बहुत लंबा स्ट्रॉ लगा के अगर आप लेट्स से 50 मीटर की हाइट का स्ट्रॉ लगा के अगर आप पानी को सक करके पीने की कोशिश करोगे यहाँ से तो नहीं पी पाओगे, क्यों? क्योंकि उतनी हाइट तक पानी को एटमोसफेयर पुश ही नहीं कर पाएगा। मरकरी को सिर्फ 76 सेंटीमीटर तक पुश कर पाता है, पानी को 10 मीटर तक पुश कर पाता है, ठीक है? हाँ सर। 10 मीटर का मतलब 3 फ्लोर होता है, मतलब आप फोर्थ फ्लोर पे बैठ के अगर पानी पी सक पीते हो तो वहां तक आ जाएगा, फिफ्थ फ्लोर पे नहीं जाएगा। सक करो कितना भी, सक करो कितना तक आ जाएगा, ठीक है? हाँ सर। ओके सर। ओके चलो। सो नाउ क्वेश्चन क्या था, अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ एयर टू बी इतना के जी पर मीटर क्यूब, फाइंड द फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट इन मिलीमीटर ऑफ एच जी एट अ हाइट ऑफ 107 मिलीमीटर अबव सी लेवल। क्या होगा अब अगर आप यहाँ से इस पूरे बैरोमीटर को उठा के ऊपर ले जाओ, कितना ऊपर लेके चलेगा बैरोमीटर को उठा के? 107 मीटर। तो प्रेशर घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? यहाँ पर प्रेशर एटमोसफेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो 107 मीटर के हाइट पर एटमोसफेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा? पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस
पी नॉट माइनस रो एयर हाइट इंटू जी आया ना, समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। और वहां पे जाके जो नया वाला प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू रो एच जी या रो वन एच टू जी, क्योंकि इस वक्त मर्करी का हाइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर से, क्योंकि जगह खत्म हो गई इसलिए मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो दोबारा से सुन लीजिए एक बार। एट ग्राउंड लेवल आपका जो एटमोस्फेरिक प्रेशर था उसको मैंने मान लिया पी नॉट। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कि पी नॉट इज इक्वल टू, पी नॉट इज इक्वल टू रो वन जो कि मर्करी का डेंसिटी है एच वन जी। ठीक है, अगली बात, एट हाइट एच जो कि कितना इक्वेशन में 107 मीटर, अगर मैं इस पूरे के पूरे सेटअप को 107 मीटर ऊपर लेके चला जाऊँ तो एट हाइट एच नया प्रेशर आपका जो एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू पी, एंड दैट पी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, एंड वहाँ पर अगर आप बैरोमीटर यूज करते हो तो एटमोस्फेरिक प्रेशर की जगह ये वाला प्रेशर लगेगा, सो दिस प्रेशर पी इज इक्वल टू रो वन, अब नई हाइट एच टू हो जाएगी क्योंकि प्रेशर चेंज हो जाएगा, हाइट चेंज हो जाएगी इन टू जी, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एच वन माइनस एच टू, हमें क्या निकालना है एच वन माइनस एच टू। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बना पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू रो वन इन टू एच वन माइनस एच टू इन टू जी। मुझे यही एच वन माइनस एच टू चाहिए था क्योंकि कितना हाइट में ड्रॉप होगा ये निकालना है, एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी अपॉन रो वन जी। अब पी नॉट माइनस पी है कितना, पी नॉट माइनस पी है यहां से देखा जाए तो पी नॉट माइनस पी कितना है रो एयर एच जी, सो दिस इज इक्वल टू रो एयर एच जी अपॉन रो वन जी, जी जी चले गए, रो एयर की डेंसिटी पता है, रो वन पता है, एच पता है, एच वन माइनस एच टू आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। यस सर। समझ में आया? हाँ सर। ठीक, तो बैरोमीटर की वर्किंग अगर पता होगी तब तो इक्वेशन हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा ज्यादा एक थोड़ा मतलब सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर बैरोमीटर कैसे काम करता है यही मालूम होगा तो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, या सर चलो ठीक, और डाउट से भेजेंगे आप लोगों ने। ये डाउट है, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, दे रखा है कि वी हैव अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 36 सेंटीमीटर फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो भैया, क्योंकि मिरर का क्वेश्चन है सबसे पहला काम डायग्राम, ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ये पोल बना लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसकी वर्चुअल इमेज बनाता है 1/3 हाइट की। ठीक है, बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इसका रेडियस दे रखा है आपको 36 सेंटीमीटर। ठीक है, सो लेट्स से ये वाला डिस्टेंस आपका, सबसे पहले तो आपका मैग्निफिकेशन कितना है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है।
सो मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3 नहीं है, कन्वेक्टिव मिरर में 1/3 हो सकता है माइनस 1/3 हो सकता है, कन्वेक्स मिरर में 1/3 है इस क्वेश्चन में। आपका फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है क्योंकि इधर मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव रखा है, इधर नेगेटिव रखा है, सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा है ना, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सेंटर फोकस भी पॉजिटिव है ही, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू प्लस 36 सेंटीमीटर का आधा 18 सेंटीमीटर। अच्छा क्योंकि मैग्निफिकेशन 1/3 है, क्या बोल रहा हूँ, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 1/3, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू माइनस यू बाय थ्री। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, u चाहिए, बताना है कि पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या बोलेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, दिस इम्प्लाइज 1/v इज 1/ माइनस यू बाय थ्री माइनस यू बाय थ्री प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/18, दिस इम्प्लाइज ये जो कितना माइनस 2/u इज इक्वल टू 1/18, दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू माइनस 36 सेंटीमीटर, मतलब कि ये डिस्टेंस कितना होगा 36 सेंटीमीटर, पोजीशन क्या होगी, माइनस 36 सेंटीमीटर मतलब 36 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है बेटा, यस सर, यस सर, सर 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 हम बहुत लेट ज्वाइन किए थे सर, आप पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं सर, सर हमको लाइट का जो स्फेरिकल मिरर है उसका सर थोड़ा टिप्स दे दीजिए सर डायग्राम बनाने के लिए सर, कुछ कुछ जरूरी चीज़ सर, देखो बस एक इनसाइट, देखो सबसे आपका टेस्ट कब है, आपका हाफ ईयरली कब है सर, हम लोग का हाफ ईयरली 15 तारीख से शुरू हो रहा है, नहीं हुआ 18 को फिजिक्स है सर, क्या बोलो नहीं सर, 18 को फिजिक्स है, समझ नहीं आया क्या बोले सर, 18 को फिजिक्स है सर, 18 को फिजिक्स, ओके देखो चलो ठीक है, फिर मैं आपको कन्वेक्स मिरर का बताया था, मिरर में आपका मुझे एक बात बताओ, आपको रे डायग्राम बनाने आते हैं मिरर में आज, रे डायग्राम बनाने आते हैं सर हमको बस, हाँ बेटा पहले मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका सीधे आंसर, यस सर ठीक है, आता है ओके, रे डायग्राम बनाना आता है ओके, अगर रे डायग्राम बनाना आता है आपको कंकेव मिरर के सारे केसेस के डायग्राम आपने बना रखे हैं आपको आता है, कन्वेक्स मिरर के सारे केसेस के डायग्राम आने आपको आता है, इतना है मान लो, हाँ सर एकदम सर, ओके अच्छा, तो आपने कुछ चीज़ें नोट करी हैं आपके डायग्राम्स के बारे में कि नहीं, इमेज के बारे में कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ, पहली चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये कि इमेज always move opposite to object, ये कभी नोट किया आपने, सर नोट नहीं किया सर, पता सर मतलब नोट करने का मतलब कॉपी नोट नहीं, आपने अपने दिमाग में सोचा कि हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ सर एकदम सर पक्का, ओके चलो वेरी गुड, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर, क्योंकि हमने क्या देखा था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस पे आता है कंकेव मिरर केस में तो इमेज फोकस से इन्फिनिटी चला जाता है, उस पर जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस करेगा इमेज किस इन्फिनिटी से उस इन्फिनिटी आया ना, हाँ सर, और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ जाएगा तो फिर से इन्फिनिटी से पोल की तरफ आएगा, मतलब मोशन हमेशा ही ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये वाला पॉइंट नोटेड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए, जो आई होप आपको पता हो, कि आपकी फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के, आप बोलोगे सर रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है जानने की जरूरत नहीं, आपको जो भी पढ़ना रियल ऑब्जेक्ट ही पढ़ना, ठीक है, तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट क्या आपको ये पता है कि वर्चुअल इमेज
is erect and real image is inverted hamesha for all mirrors. ये पता है कि नहीं पता? हाँ सर सर चांद चम्मच से ट्राई कर देंगे सर, देखो अगर पता चल गया सर तो आगे वाला वो रे डायग्राम वाला पार्ट बहुत आसान, सर रे डायग्राम मिरर फ्रंट वाला पार्ट बहुत आसान है, ठीक है। सो फॉर रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज जो है इरेक्ट होगी और रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होगी, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए ट्रू होता है? सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए उल्टा हो जाता है। बोलोगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, मुझे मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब अभी जरूरत नहीं है, असल जरूरत है। चलो आगे अगला पॉइंट, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट आपने नोट किया है क्या कि फॉर, अच्छा इतना नहीं, सिर्फ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिएगा। ऑब्जेक्ट रियल है, आप मुझे नेचर ऑफ इमेज बताइएगा, मैं आपको नेचर ऑफ इमेज बता रहा हूँ, आपको नेचर ऑफ मिरर बताइएगा, इमेज मिरर। अगर आपका इमेज इरेक्ट है तो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? सर कॉनकेव बेटा, बोथ आर पॉसिबल, ध्यान दीजिए। कन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा हमेशा इरेक्ट बनती है, बनती कि नहीं बनती? इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, है ना। कन्वेक्स मिरर तो हमेशा ऐसी इमेज बनाता है, इरेक्ट डिमिनिश्ड वर्चुअल, है ना, है ना। हाँ सर। और आपका कंकेव मिरर भी वर्चुअली इमेज बनाएगा जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, यस सर। ओके, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो मिरर कौन सा होगा? सर सर ये सिर्फ सर ये सिर्फ कंकेव के लिए सर, ये सिर्फ कंकेव है, ये सिर्फ कंकेव है, ठीक है ना। अगर इमेज रियल है तो मिरर कौन सा होगा? सर कन्वेक्स, सर कन्वी होगा सर, कंकेव सर, कंकेव सॉरी सर। अगर वर्चुअल है तो सर कन्वेक्स, दोनों हो सकते हैं, सर कंकेव में कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? कंकेव में वर्चुअल नहीं होता जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में तो इमेज पीछे बनती है, पीछे कैसी होती है? वर्चुअल होती है ना। अरे हर सर सॉरी सर, अब देखो ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों भी एक ही है, सिर्फ बोलने के तरीके अलग है, क्योंकि पहले देख चुके हम लोग वर्चुअल और इरेक्ट सेम चीज है, इन्वर्टेड और रियल सेम चीज है, एक ही चीज तो है, दो बार पढ़े बस, है ना, आया ना। हाँ सर। अगला देखो, अगर मैं बोलूं वर्चुअल मैग्नीफाइड तो क्या होगा? वर्चुअल मैग्नीफाइड जो है वो सिर्फ कंकेव में होता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, वहीं अगर मैं आपको बोलूं रियल सॉरी रियल बोलूं सॉरी इरेक्ट डिमिनिश्ड क्या होगा?
इरेक्ट का मतलब वर्चुअल और डिमिनिश मतलब कन्वेक्स हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। सीधी भाषा में ऐसा याद रखना है कि कनकेव मिरर नेवर फॉर्म्स वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल डिमिनिश्ड। समझ में आई बात? जो कनकेव नहीं बनाता है कन्वेक्स वही बनाता है, ठीक है? हाँ सर, ओके सर। तो लेकिन अगर सिर्फ वर्चुअल लिखते कर तो दोनों बना सकते हैं, सिर्फ डिमिनिश्ड लिखते करो दोनों बना सकते, ठीक है? समझ में आया? यस सर, हाँ सर, कंटिन्यू सर। क्लियर है ना एकदम? यस, ये क्लियर होगा तो आसानी से सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं उसके आफ्टर स्टडिंग योर साइन लैंग्वेज, ठीक है? तो अगला जो हमारा मैं बता रहा हूँ आपको, मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? ये सीधा सा फॉर्मूला है, वन बाय वी। मैं मान रहा हूँ कि आपने कभी ना कभी तो किताब से पढ़ी रखा, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब जो मेरे ख्याल से आपको नहीं पता होगा वही होगा। वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, ये होगा फॉर्मूला, है ना? आया पता है ना भाई फॉर्मूला? यस सर। इसमें एफ क्या है बेटा? एफ क्या है? फोकल लेंथ। एफ फोकल लेंथ है ना, ठीक है, फोकल लेंथ सही है, आप सही बोल रहे हो, किताबों में फोकल लेंथ ही लिखा हुआ है, बट आई डोंट लाइक टू कॉल इट फोकल लेंथ, आई लाइक टू कॉल इट पोजीशन ऑफ फोकस। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव व्यू का नेगेटिव व्यू है, लेंथ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है ना? इस फॉर्मूले में जो यहाँ एफ पे एफ की जगह डालोगे वो फोकल लेंथ नहीं बल्कि पोजिशन ऑफ फोकस, ठीक है? U क्या है? आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन U पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ठीक है? आप मुझे बताओ डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए U आपका क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं, U नेगेटिव होता है एक्चुअली। इसको जो नाम दिया गया ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये गलत दिया गया, उसका नाम होना चाहिए पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली v का नाम क्या दिया गया? इमेज डिस्टेंस। उसका नाम होना क्या चाहिए? होना चाहिए पोजिशन ऑफ इमेज। अगर आपने दिमाग में ये नाम रखोगे, एग्जाम में जो लिखना लिखो, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ये नाम रखोगे तो आपकी गलतियों के चांसेस ड्रास्टिकली डिक्रीज होंगे कि आपको वन वी यू और एफ में पोजिशन सब्सिट्यूट करनी है, लेंथ और डिस्टेंस सब्सिट्यूट नहीं करना, ठीक है? क्लियर? यस सर, क्लियर। तो अब ये पोजीशन मेजर कैसे करेंगे? पोजीशन मेजर करने के लिए तो कोई ओरिजिन चाहिए, बिना ओरिजिन मेजर रखे आप पोजीशन मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? कहाँ से पोजीशन मेजर करें, राइट? तो उसके लिए हमने बनाए हैं साइन कन्वेंशन। हमने क्या बनाए हैं? साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन के मिरर फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं। ये साइन कन्वेंशन पता है आपको, आपको कि नहीं पता? नहीं सर, वोला पार्ट सर ज्यादा होगा सर, मतलब समझ बाहर लग रहा था सर, इसलिए नहीं किए थे सर। साइन कन्वेंशन क्या होता है? वो बहुत सिंपल, कोई खास नहीं। ये आपका लेट से मिरर कनकेव, ठीक है? और लेट से ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होगा? क्या इसको मैं पोल कह सकता हूँ? क्या सकता हूँ? क्या यहाँ पे कहीं पर सेंटर होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा? बिल्कुल होगा। चलो तो सेंटर फोकस पोल सब देख लेंगे। अब
मैं कहता हूँ मान लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ है, रख सकता हूँ मिरर के सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता, सकता हूँ मना थोड़ा करेगा रख सकते हैं। तो अब मुझे इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, उसमें मुझे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहला पॉइंट कहता है कि ऑल डिस्टेंसेस, क्योंकि एक्चुअली नाम तो डिस्टेंस है ना, फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस नाम है ना, वो तो मैं आपको समझाने के लिए पोजीशन बोल रहा हूँ, राइट, नाम तो डिस्टेंस है। तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, कोई दिक्कत सर? एकदम नहीं सर। बट इसके आगे एक और पॉइंट है जिसको लोग इग्नोर मार देते हैं, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो आपको ये डिस्टेंस मेजर नहीं करनी है, आपको ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी है, समझ में आई बात? आया समझ में आया कि नहीं? अगर फोकस का डिस्टेंस मेजर करना है, फोकस की पोजीशन मेजर करनी है, तो ये वाला डिस्टेंस मेजर करना, ठीक है। लेट्स से इमेज यहां बन गई तो आपको इमेज के लिए ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है, समझ में आया? ओनली द डिस्टेंसेस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस हैज टू बी मेजर्ड फॉर पोजीशन, मतलब ये यू वी और एफ में सिर्फ इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाली डिस्टेंस आएगी, ठीक है बेटा? यस सर, तो मैं सब परपेंडिकुलर बनाना ही पड़ेगा अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं बेटा, जब आपको दिया तो बोलते हैं ना कि मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस सर हमेशा, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसका मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस बता रहा है, कोई और डिस्टेंस बताएंगे ना, ठीक है? ओके सर, ओके ओके। इस फॉर्मूले में वी यू और एफ डालने के लिए आपको यही वाला डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, ये टेढ़ा डिस्टेंस मेजर नहीं करना, ठीक। दूसरा पॉइंट, अब इसमें प्लस और माइनस का झंडा, तो डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, मतलब ध्यान दीजिए अब इस केस में अगर कंकेव मिरर है, कंकेव मिरर पे कभी भी क्या आपकी लाइट लेफ्ट से आगे बढ़ सकती, कैसे इंसिडेंट हो सकती, कैसे सर? बिल्कुल नहीं सर, सर रिफ्लेक्ट सरफेस पे ही पड़ सकता है ना, तो लाइट जब भी इंसिडेंट होगी इधर से होगी, है ना? सो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज टुवर्ड्स राइट, है ना? तो इसलिए राइट साइड में प्लस, उसके अपोजिट साइड में माइनस, ध्यान दीजिएगा बेटा, जिधर से लाइट आ रही इधर पॉजिटिव नहीं, जिधर लाइट जा रही इधर पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, ठीक है? यस सर। इसलिए अगर इस केस में मैंने डिस्टेंसेस मेजर किए, ये वाला लेट से एक्स है, ये वाला लेट से वाई है, और ये वाला लेट से जेड है, तो मेरा यू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स होगा, वी कितना हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, और पोजिशन ऑफ फोकस एफ कितना हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। मिरर के सामने जो भी है वो नेगेटिव है, मिरर के पीछे जो भी है वो पॉजिटिव, समझ में आया? ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जो मैंने लास्ट में बताया, मतलब पॉइंट्स तो वही होते हैं, मैंने उसका यहाँ इस केस में उसका एप्लीकेशन क्लियर है सर। एक और पॉइंट देखो, हमें सिर्फ वो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ऑब्जेक्ट की हाइट की जरूरत पड़ती है, हमें ये वाली हाइट भी मेजर करनी पड़ती है, ठीक है? तो लेट्स से ये वाली हाइट हमने मेजर की है ए,
सिमिलरली ये वाली हाइट हो जाएगी इमेज ई आई भी। तो अगला पॉइंट इस हाइट के लिए साइन कन्वेंशन बताता है कि हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो, कॉपी कॉपी अगर नहीं कर लिया तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल मत। नेक्स्ट। हां सर, मेरा कॉपी हो गई। ठीक, नेक्स्ट है कि लेट से, अच्छा तो अगला हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और वो दोनों एक साथ पढ़ने पे ही क्लियर रहता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एम इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो देखा ही नहीं, इस केस में देखिए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? प्लस ए, और हाइट ऑफ इमेज क्या है? माइनस बी। समझ में आ रहा है? माइनस बी। ठीक है, ओके। अगला मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप सोचो अगर आपकी, इफ इमेज इज इरेक्ट तो ऐसे में जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर इमेज बनेगी, मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऊपर ही होगी और नीचे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी नीचे ही होगी। ठीक है, तो ऐसे में आपका एम क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, समझ आई बात? एंड इफ यस सर इमेज इज इनवर्टेड तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है? नेगेटिव। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है ना? दूसरा, यस, इफ इमेज इज मैग्निफाइड या एनलार्ज्ड, मतलब इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन को क्या मैं ग्रेटर देन वन कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? हाँ सर, नहीं कह सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन हो, अगर मैग्निफिकेशन माइनस टू है तो मतलब इन्वर्टेड इमेज एनलार्ज है। समझ में आई बात? अगर मैग्निफिकेशन माइनस टू है तो हाइट ऑफ इमेज क्या? माइनस टू टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब उल्टा है पर डबल है ना, तो मैग्निफाइड तो है ना। वैसे ही इफ इमेज इज डिमिनिश्ड मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन। समझ में आई बात? और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन वन है तो मतलब इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। चलो तो मतलब आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलता हूँ m इज इक्वल टू प्लस टू तो इसका मतलब इमेज कैसी है? सर इरेक्ट है। और लास्ट, अगर मैं बोलता हूँ m इज इक्वल टू प्लस वन बाय टू तो मतलब क्या है? इरेक्ट एंड डिमिनिशन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ m इज इक्वल टू माइनस थ्री तो कैसी है बताइए? बड़ा इरेक्ट, इरेक्ट इनलार्ज, इन्वर्टेड है बेटा, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, माइनस है ना। अगर मैं बोलूं, हां यस यस सॉरी सर, सॉरी सर, बिल्कुल गलती से उधर, सर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से। और अगर मैं बोलूं मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री तो क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, है ना? यस। तो मुझे बताइए इस केस में मिरर कैसा होगा? अगर मान लीजिए क्वेश्चन में से मैग्निफिकेशन रखा है, मिरर का नेचर नहीं बताया गया, तो मिरर कैसा होगा? कंकेव होगा। क्या? कंकेव होगा, है ना? क्यों?
क्योंकि इमेज इरेक्ट और एनलार्ज है। इस केस में क्या होगा? इस केस में भी केवी होगा सर, बेटा कन्वेक्स होगा ना, इरेक्ट भी है और डिमिनिश भी है। इरेक्ट मतलब वर्चुअल है, मतलब पीछे है, और डिमिनिश भी है। कौन बनाता है सर? कन्वेक्स बनाता है, ठीक है। यही सब चीज दिमाग में रखने लगे यहाँ चुके, इरेक्ट एंड डिमिनिश था कन्वेक्स। चलो इसके अगर मैग्नेटिक माइनस थ्री है तो जल्दी हो जाए सर, सर कनकेवी होगा सर, कनकेवी क्यों? एनलार्ज है और इन्वर्टेड भी, इन्वर्टेड से कनकेव बनाता है, एनलार्ज से कनकेव बनाता है। इसमें क्या होगा? कनकेव होगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड से कन्वेक्स कनकेव बनाता है, कनकेव बनाता ही नहीं, कन्वेक्स एक ही तरीके बनाता ही है, इरेक्ट एंड डिमिनिश खत्म। समझ में आई बात? तो सिर्फ आप मैग्निफिकेशन देख के आपके मिरर का नेचर बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो? यस सर। सिर्फ m की वैल्यू देखकर आप बता पा रहे हो कि आपका मिरर कैसा है। अब क्या होता है ना बेटा क्वेश्चन, अच्छा एक और, अगर कंकेव है तो फोकल लेंथ कितना हो जाता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव फोकल लेंथ, पॉजिटिव नेगेटिव फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव। समझ में ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, मिरर के सामने जो है वो नेगेटिव, मिरर के पीछे जो है वो पॉजिटिव है ना? हाँ ना, बोला था कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। कंकेव मिरर में सब कुछ मिरर फोकस जो मिरर के सामने होता है, कंकेव मिरर में इसके फोकस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कन्वेक्स में पीछे होता है इसके पॉजिटिव, ठीक है, कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन क्यों थी? क्योंकि क्वेश्चन में दे देगा अ मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ in an inverted image of triple the size when the object is placed 30 cm in front, yeah, jo bhi a mirror of focal length 20 cm forms an inverted image of triple the size, aisa bol, theek hai, kya bola? A mirror of focal length 20 cm। ab isme aapko focal length plus 20 kitna hai ki minus 20 kitna hai ye kaise decide karoge, kyunki aage likha hai an inverted image of triple the size, मतलब कि magnification minus 3 है, ये वाला केस हो गया, concave है, इसलिए focal length minus 20 cm होगा। Even though question में लिखा गया है focal length is 20 cm, आप क्या लिखोगे अपने formula में? focal length is minus 20 cm। समझ में आया? सर टीचर्स ये सब बात नोट करता है सर, पॉजिटिव में ना होता है सर। क्या? बेटा अगर सीधी बात है, अगर आप प्लस 20 लिख दोगे तो आंसर ही गलत आ जाएगा ना, समझ में आई बात? आंसर ही गलत हो जाएगा। हाँ सर, सर ऐसी बात, ठीक है, तो आपको ये इन पॉइंट्स को नोट करना पड़ेगा, यही जो है ना, यही की है जो मैंने पिछले दो तीन पेजेस में पढ़ाया ना, वही की है, क्योंकि मेन झमेला ये होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव लेके नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव रहता है, ये तो हमेशा नेगेटिव रहता है। वी अगर बोल दिया वर्चुअल इमेज है तो पीछे बनेगा तो पॉजिटिव, रियल इमेज है तो सामने बनेगा तो नेगेटिव, है ना? हाँ ना? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर सर। अगला, अच्छा अगला क्या है? अगला है आपका फोकल, अच्छा आपका मिरर फॉर्मूला फिर अप्लाई कैसे करें? तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा था ना, उसी क्वेश्चन को, अच्छा एक और क्वेश्चन आया हुआ, पिछले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो इस क्वेश्चन को वापस एक्सप्लेन करें। क्या बोला सबसे पहले? तो बोला कन्वेक्स मिरर। क्या बोला? कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले तो मिरर बता दिया आधा था मेरा, तो वही सॉल्व, तो हमने कन्वेक्स मिरर बना डाला, प्रिंसिपल एक्सिस बना डाला सबसे पहले। फिर बोला इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ऑफ साइज 130 इलेक्ट्रिक इमेज बनाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक इमेज बनाते ही कन्वेक्स मिरर, ये तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, फालतू इन्फॉर्मेशन, टाइम पास कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा टाइम पास, क्वेश्चन। हाँ सर पहले ही बोल दिया 130 है सर, कन्वेक्स मिरर बोल दिया तो इलेक्ट तो वही होगा। हाँ 130 है ये, ठीक। तो भैया अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया सामने, इमेज बनाया पीछे, 130 साइज, ठीक। बोला रेडियल कर्वेचर इज 36 सेंटीमीटर, मतलब सीधे बोल रहा फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स है इसलिए फोकल लेंथ क्या है प्लस 18 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन क्योंकि 1/3 है और इरेक्ट है इसलिए प्लस 1/3, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई ए, बोले बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया ना, नहीं बताया, अच्छा इसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस वी बाई ए, ठीक है ये बताना है, बोल रहा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई ए, तो आपको एम, आपको ना यू दे रखा है ना वी दे रखा है, एफ दे रखा है, आपको एफ दे दिया गया है लेकिन यू और वी दोनों में से कुछ नहीं दिया गया, तो यार तीन में से कम से कम दो चीजों के तब तो तीसरी चीज निकलेगी फॉर्मूले से, 1 / v + 1 / u = 1 / f है ना सर, लेकिन वर्ड लिखा है ना सर, वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1/3 वही बात है, उसी लिए आपको v और u नहीं दिया गया लेकिन आपको v और u के बीच में रिलेशन दे दिया गया है, उसका यूज करके आप इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपका बेसिकली दो इक्वेशन होगा है ना, है ना, एक ये इक्वेशन और यस सर, यस ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ठीक है, कोई दिक्कत। एक और सर कंटिन्यू प्लीज, एक और क्वेश्चन जो पूछा था उसको भी सॉल्व कर देता हूं मेरे ख्याल से, और इन पर डाउट भी क्लियर हो जाएगा आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो बहुत ही आसान है, कन्वेक्स मिरर दे ही दिया, फोकल लेंथ बता ही दिया, राइट, कन्वेक्स मिरर फोकस यहाँ पर होगा तो आपका फोकस फोकल लेंथ प्लस 40 है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डिस्टेंस हो गया 40 सेंटीमीटर, आपको यू दे दिया माइनस 40 सेंटीमीटर, और आपसे वी पूछा गया है, तो क्या करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f, दिस इंप्लाइज 1/v - 1/40 = 1/40, दिस इंप्लाइज 1/v is equal to 2/40, this implies v is equal to 20 centimeter, तो आसान क्वेश्चन, ठीक ठीक है, आपको जो बताया ना बेटा इसको यूज करके क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, आज ही ट्राई करेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी, नहीं सर अभी अभी नहीं है सर डाउट, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कुछ कैसे यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला वगैरह, नहीं क्लियर हुआ बता तो दो, बोल तो दो एक बार, हाँ सर पक्का, ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं, चलो फिर क्लास होगा।